पहली किस्म है इसकी, क्या है? बियरिंग पाइल। बियरिंग पाइल, बियरिंग पाइल का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम लोग काम शुरू करते हैं, पाइल को गाड़ना शुरू करते हैं, तो हमने बियरिंग पाइल वो होता है कि जो जिसका हम फ्रैक्शन काउंट नहीं कर रहे, और हमने नीचे ले जाकर इसको एक अदर हार्ड रॉक के ऊपर रोक देना है। किस पे रोक देना है? हार्ड रॉक के, ये नीचे आया और ये हार्ड रॉक के ऊपर रुक गया। अब ये ऊपर से जो भी लोड आएगा इसका, ये मिट्टी से होता हुआ लोड चला गया, मिट्टी में से गुजरता हुआ गया और हार्ड रॉक पे रुक गया, तो ये बियरिंग। बियरिंग का क्या मतलब है कि ये आखिरी पॉइंट जो है इस पे हमने लोड दे दिया। दूसरा होता है फ्रिक्शन पाइल। फ्रिक्शन पाइल के अंदर क्या है कि ये जब सरफेस एरिया होता है पाइल का, पाइल की जो सरफेस एरिया होता है, ये सॉइल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है, तो एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होती है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह गाड़ी के जब ब्रेक लगते हैं या साइकिल के, मोटरसाइकिल के ब्रेक लगते हैं, तो फ्रिक्शन पैदा होता है। तो वही फ्रिक्शन फोर्स जो है इस पाइल को सहारा देती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जब खूंटा गाड़ते हैं तो शुरू में तेज़ी से जाता है, लेकिन जितना ज़्यादा वो सरफेस एरिया उसका बढ़ता चला जाता है, तो खूंटा क्या होता है, वो हो जाता है। तो हमने क्या कहेंगे, जो फ्रिक्शन पाइल है ये सारा लोड जो है ना वो फ्रिक्शन की वजह से लेता है, इसको क्या फिर हार्ड रॉक नहीं मिलती है। बियरिंग कम फ्रिक्शन पाइल, बियरिंग कम फ्रिक्शन पाइल के अंदर क्या होता है कि हम दोनों फोर्सेस इस्तेमाल करते हैं, यानी हार्ड रॉक की या हार्ड स्ट्रेटा अगर आ जाए हम उसे भी इस्तेमाल करते हैं कि पाइल वहां ले जाके रोक दिया, और साथ में ये हमें ये जो सॉइल होती है इसकी फ्रिक्शन फोर्स भी मिल जाती है। डेट्स वाई इट इज कॉल्ड बियरिंग कम फ्रिक्शन पाइल। ये तीनों पाइलों की मिसाल है। फिर क्या आ जाता है चौथा? बैटर पाइल। बैटर पाइल क्या होता है? ये तिरछा पाइल होता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस तरह के लोड्स आ रहे होते हैं तो हम पाइल को वर्टिकल नहीं गाड़ते। क्या नहीं गाड़ते? वर्टिकल नहीं गाड़ते, इस पाइल को हम थोड़ा सा क्रॉस में करके गाड़ते हैं, कुछ साइड की ज़रूरियात होती हैं उसके तहत, तो ये क्या कहलाता है? बैटर पाइल। फिर है इसके बाद शीट पाइल। शीट पाइल आप लोग पढ़ चुके हो, मैंने आपको बताया था क्या होता है, पानी को रोकने के लिए, पानी के रसाव को रोकने के लिए, डी वाटरिंग या वाटर रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है गाइड पाइल। गाइड पाइल क्या होता है? कोफर डैम। कोफर डैम का एक और है, ये गाइड पाइल कहलाता है, यानी चारों तरफ कोफर डैम लगा के पानी को हम निकालते हैं और इसके बाद फिर डालते हैं। तो ये पाइल की अकसाम है, बेसिक टाइप्स हैं ये नोट कर लिया आपने? ये सारी बेसिक टाइप्स हैं पाइल की, और इसके अलावा भी पाइल की अकसाम है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं।